ऊर्जा क्या होता है। देखिए हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु है उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी को हम कह सकते हैं ऊर्जा। या कोई मशीन है, मशीन के अंदर जो काम करने की क्षमता होती है उसको हम ऊर्जा के रूप में कह सकते हैं। तो ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता है उसी को हम क्या कह सकते हैं, ऊर्जा। अब ऊर्जा का जो मात्रक है हमने बताया था, ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल। कार्य का भी मात्रक जूल, कार्य के मात्रक, कार्य का मात्रक मीटर मीटर है, इसको भी हम जूल कहते हैं। और ऊर्जा का जो मात्रक है जूल, तो इसमें किसी भी प्रकार के अगर कोई भी ऊर्जा है, चाहे गतिज ऊर्जा, चाहे स्थिर ऊर्जा, चाहे गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, चाहे कोई भी ऊर्जा है, उसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। अब ऊर्जा मुख्यतः दो प्रकार की है, तो इसमें हमारी जैसे गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, स्थिति ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, जानते हैं कि किसी वस्तु में अगर उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको हम गतिज ऊर्जा कह सकते हैं। कि वस्तु में कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, जैसे रोड पे, सड़क पे या रोड पे कोई कार चल रही है, बाइक चल रहा है, तो वहाँ पे जो हमारी गति हो रही है वो गतिज ऊर्जा में हो रही है, मतलब गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। और स्थिति के कारण, मतलब जैसे कोई चीज स्थिर है, स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वो क्या हो जाएगी, हमारी स्थिति जो ऊर्जा हो जाएगी, तो गतिज ऊर्जा का परिभाषा आप दे सकते हैं, किसी वस्तु में उसके गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और इसकी भी जो फार्मूला हमारा बनता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। और स्थिति ऊर्जा में क्या है, स्थिति ऊर्जा में ये है कि अगर उसकी स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम स्थिति ऊर्जा कहते हैं। और स्थिति ऊर्जा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी है, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है हम जानते हैं यह क्या हो गया, हमारा द्रव्यमान या मास, अभी क्या है वेग। तो जो गतिज ऊर्जा है वो किस पे डिपेंड करेगी, द्रव्यमान, द्रव्यमान और वेग पे डिपेंड करेगी। क्या ऊर्जा गतिज ऊर्जा, अगर और यहाँ पे कोई स्थिर ऊर्जा है, यहाँ पे एम जी टू एच, मतलब इसमें जो है द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण जी हो गया और ऊंचाई क्या हो गई, एच हो गया। तो ये हमारा फार्मूला यहाँ पे बन गया, गतिज ऊर्जा इक्वल टू हाफ स्क्वायर और स्थिर ऊर्जा इक्वल टू बन गया एम जी एच। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अगर 5 किलोग्राम का कोई पिंड है, 5 किलोग्राम का पिंड है और उसको जो है यहाँ पे भी दिया गया है, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से अगर फेंका जाए तो उसमें कौन सी गतिज ऊर्जा हो जाएगा। दिया गया हो हमको द्रव्यमान दिया गया हो और मतलब वेग दिया गया हो, पूछे गतिज ऊर्जा बताइए,
तब यहाँ से मान निकाल सकते हैं 1/2 mv² से कि गतिविधि क्या हो रहा है, मतलब हमको मास दिया है यंग हो गया और वेलोसिटी अगर दी गई है से तो हम निकाल सकते हैं गतिविधि। और यहाँ पे यंग ये जो दिया गया है ये हमारा होगा द्रव्यमान यंग, और ऊपरी छोर जो है जी होता है इसका जो मान होता है 9.8 m/s² या कहीं 10 भी दिया रहता है, तो अगर नहीं दिया है तो नहीं ना लेंगे, कहीं दिया गया है 10 तो मान रख लेते हैं, और ऊंचाई हमको दी रहेगी तो यहाँ से हम स्थिति ऊर्जा निकाल लेंगे। तो हमने बताया आपको कि ऊर्जा क्या है, तो हम जानते हैं किसी वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी को हम ऊर्जा कहते हैं, और ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या हमारा जूल होता है। और ऊर्जा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा में हमने आपको बताया कि गतिज ऊर्जा जो है किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं, और स्थितिज ऊर्जा है कि उसके स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होगी उसको हम क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा। और फार्मूला यहाँ पे हमने लिख दिया कि गति ऊर्जा इक्वल टू 1/2 mv² और स्थिति ऊर्जा इक्वल टू क्या हो गया mgh। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा जो फार्मूला दिया गया। बस आज के लिए इतना है।